हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल के फाइल मैनेजर में फोल्डर शो नहीं कर रहा है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। देखिए, हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की साइड दो या थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा या सेटिंग का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले हिडन फाइल्स, आपको इसे ऑन कर देना है। फिर आपको बैक आना है और अब गाइस चलिए हम क्लिक करते हैं इंटरनल स्टोरेज पे। तो जितने भी हिडन फाइल्स रहते हैं सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी फाइल हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कहीं पर भी जो भी रहेगा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अब गाइस हम आते हैं बैक। अब जैसे कि आपको यहाँ पर आवश्यकता है एंड्रॉयड वाले फोल्डर की, तो यहाँ पर डेटा शो नहीं होते हैं, तो इसका भी गाइस सोल्यूशन है। आपको सिंपली बैक आना है और प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है जेड अचीवर नाम के ऐप को। इस प्रकार का ऐप आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मात्र 4 से 5 MB का है, आपको इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन करना है। तो गाइस चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ओके करना है, फिर यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है, इसे चालू करना है, फिर बैक आना है, फिर आपको ओके कर देना है, फिर आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाना है। और अब यहाँ पर डेटा वाले पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर फिर से ओके करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करना है, फिर आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर एक सभी फोल्डर भी शो होंगे। अब इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट या डेटा रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और ओबीबी फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ओके करना है, फिर यूज दिस फोल्डर और अलाउ, तो यहाँ पर ये भी शो करेगा। देखिए, यहाँ पर ओबीबी फाइल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कॉपी कट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।